अधिकार है, ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की जो कंसेप्ट है, ये भारत के संविधान में, मैं पानी पीऊंगा नहीं, पानी पिलाने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं पानी पीऊंगा नहीं, मैं पानी पिलाऊंगा और पानी पिला पिला के मारूंगा इन ब्राह्मण के लोगों को। इसलिए उत्तर प्रदेश में आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यूपी से भी अंबेडकर एक रेवोल्यूशन होगा महाराष्ट्र के बाद, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। उत्तर प्रदेश में मैं केवल आपसे भाषण देने के लिए नहीं आया, उत्तर प्रदेश से इस आर्य व्रत को अंबेडकर व्रत बनाने आया हूं, इसलिए मैं पानी पीऊंगा नहीं, पानी पिलाकर मारूंगा इनको, इसलिए मैं यूपी में आया हूं। इतने साल बाद अभी तक नहीं आया, 15 स्टेट कवर किया इंडिया में अंबेडकरिज्म के आधार पर, अब तक नहीं आया, लेकिन अब आया हूं, और अब आया हूं तो यूपी से वापस नहीं जाऊंगा, भारत से वापस नहीं जाऊंगा, जब तक हम ब्राह्मणिज्म को खत्म नहीं करते मैं उत्तर प्रदेश से वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं यूपी में आया। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मानव की गरिमा, अभी आप देखिए 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर हुआ, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन है वो 10 दिसंबर को हुआ, लेकिन 21 फरवरी 1948 को बाबा साहब अंबेडकर ने जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टेबल किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कहते हैं कि संविधान बनने को 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे, ये गलत है। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का कामकाज देखा जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कामकाज को अगर देखेंगे तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनने में जितना समय ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिया, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो केवल 4.5 महीना लगा। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जिसमें 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, वो दुनिया में सबसे कम समय में बना, और सबसे बड़ा संविधान अगर सबसे कम समय में बना होगा तो दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये जेएस मिल नहीं, या जॉन लॉक नहीं, या मेडिसन नहीं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। इसको हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। तो ह्यूमन राइट्स की फिलॉसफी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से आई, आज ह्यूमन राइट्स की फिलॉसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इनहेरेंट है, आर्टिकल 51C में इनहेरेंट है, जिसमें हम इंटरनेशनल लॉ को कोवेनेंट्स एंड कन्वेंशन को साइन कर सकते हैं, आर्टिकल 253 में पार्लियामेंट को राइट दिया गया है कि वो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड कन्वेंशन पर लॉ बना सकता है, उसे इंप्लीमेंट कर सकता है। भारत का संविधान एकमात्र संविधान है जिसमें मानव अधिकारों की फिलॉसफी प्रेजेंट है, लेकिन उस पर इनैक्टमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका दूसरा विषय, उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। इसके साथ भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ये मोदी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ऐसा कहते कहते 68 मंत्री को बना लिया, 68 मिनिस्टर को बना लिए, पिछले गवर्नमेंट में 78 थे, 10 मिनिस्टर बाकी है, वो भी बन जाएंगे, सवाल वो नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मीन्स दिस इज द फिलॉसफी ऑफ मार्गरेट थैचर एंड रोनाल्ड रीगन विच इमर्ज्ड इन यूएस एंड यूके, विच इज कॉल्ड द लिबर्टेरियन फिलॉसफी। लिबर्टेरियन फिलॉसफी व्हाट डज इट सेज, कि देयर शुड बी ओनली अ पुलिस स्टेट, यानी राज्य का यानी सरकार का क्या काम होना चाहिए, केवल मिलिट्री मेंटेन करना, केवल पुलिस मेंटेन करना और न्यायालय मेंटेन करना। ये